नमस्कार, आप देख इंडिया टाइम न्यूज, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, प्रतापगढ़। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को नहीं दिखी। नगर की जर्जर कम्युनिकेशन युक्त सड़कें, अस्पताल में घुसखोरी, गंदगी, लावालब, गंदा पानी, नाली का जाम के जाम से नहीं हो पाएगा छुटकारा। नहीं हो पाएगा अवैध मकानों को ध्वस्ती कर। जनता प्रतापगढ़ शहरों में जाम से हमेशा फंसी रहती है। रिपोर्ट प्रतापगढ़ से भानु मिश्रा, स्टेट एड के साथ वासनी विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में प्रेस वार्ता कर और जो अस्पताल की बात आपने कही, अस्पताल की व्यवस्था की, उसके बारे में संज्ञान ले लिया। जो शिकायत आपने की, हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी उसको हम दूर कर लें। अतिक्रमण की एक समस्या है, सही है कि अतिक्रमण समस्या है, और ये आज की नहीं है। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से जिलों में, आपने भी देखा होगा समाचार पत्रों में, बहुत से जिलों में इसको बहुत तेज़ी से किया गया, जहाँ पर लोगों ने मन बना लिया, व्यापारियों ने सहयोग कर दिया। हम ये चाहते थे कि कम से कम लोगों का की बात कही, पानी की बात कही और सीवर की बात कही, पानी मंदिर को चलान कर और अतिक्रमण चलिए होगी। मैंने जीरो क्राइम की बात कभी नहीं कही। मैंने ये कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर है। साथ ही साथ जो आपने घटना बताई उसको हम अंजाम तक पहुंचा देंगे, ये हमारा वादा आप सबसे। दूसरी बात, ये सही है कि सीवर व्यवस्था जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, और यहाँ उसके बारे में शिकायत हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाले, और हम उसके तमाम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि हम सीवर व्यवस्था जब तक नहीं है जहाँ पर ये स्वीकृत है वहाँ तो पूरा कराएंगे, लेकिन नहीं तो हमारे पास सेप्टिक मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा आधुनिक तकनीक है इस कूड़े का निस्तारण करने के लिए, कूड़े का ग्राउंड जो है वो तो यहीं से व्यवस्था करनी होगी, चाहे हम सीमा विस्तार करके करें और चाहे यहाँ पर जो कोई ग्राउंड हो इस प्रकार का, उसी को हम की व्यवस्था करें, वो तो यहीं से व्यवस्था होगी, तो कहीं बाहर से संभव नहीं है, और ये इसको हम जल्दी करेंगे, कूड़ा निस्तारण वाली बात। और उसके बारे में संज्ञान ले लिया। जो शिकायत आपने की, हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी उसको हम दूर कर लें। अतिक्रमण की एक समस्या है, सही है कि अतिक्रमण समस्या है, और ये आज की नहीं है। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से जिलों में, आपने भी देखा होगा समाचार पत्रों में, बहुत से जिलों में इसको बहुत तेज़ी से किया गया, जहाँ पर लोगों ने मन बना लिया, व्यापारियों ने सहयोग कर दिया। हम ये चाहते थे कि कम से कम लोगों का नुकसान हो और सड़कें कम से कम खाली ज़रूर हो जाए, और हम चाहते ये भी हैं, लेकिन ये भी कहा गया था हमारे द्वारा कि भाई व्यापार मंडल से बात करके उन लोगों को साथ में लेके कि ऐसी व्यवस्था हो कि किसी प्रकार से आम आदमी को जो 1,000, 2,000, 5,000 जो अतिक्रमण करे बैठे हैं उनकी कीमत पर आम आदमी को परेशानी नहीं होना चाहिए, और इसको हम ज़रूर करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं होगा। लेकिन समय लोगों के घरों में पानी भरा रहता है, सभासदों के घरों में पानी भरा रहता है। ड्रेनेज की व्यवस्था भी, जो दोस्तों देखिए दो ही व्यवस्था है, शासन